हो, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और आज मैं बात करने वाला 12th का एक चैप्टर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर आपका जो आने वाला है मिनिमम 6 से 10 नंबर का। एक क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग बनेगा 6 नंबर का, हो सकता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आए, और एक दो एमसीक्यू आए, तो 10 से 12 नंबर भी कवर अप कर सकता है आपका चैप्टर। अब आज इस चैप्टर में आपको टॉपिक्स करने हैं। तो देखो बेसिक से टॉपिक है, तो आपको बेसिक्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉफिट चेंज एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, पीएसआर चेंज होता है तो आपको पीएसआर के टाइप्स पता हो, ट्रीटमेंट गुडविल की एंट्रीज पता हो, मतलब बेसिक्स ही पता होता है तो दिक्कत आनी है ना भाई साहब। तो बेसिक्स तो पता होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपको। तो पीएसआर, प्रॉफिट चेंज रेशियो, ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल, उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके अलावा प्रॉफिट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये चार बेसिक्स टॉपिक। और लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे चीजों को भेज, बेसिक्स टॉपिक आपको पते होने चाहिए, वरना भाई साहब भूल जाओ नंबर आए। तो मे बी आप इस टाइम, जिस टाइम पर ये वीडियो आई है, आपको ये सब चीज़ तो पता ही होगी कि अब तक आप लोग 2-3 प्री बोर्ड दे चुके हो, टेस्ट दे चुके हो अपने स्कूल कॉलेज में, मतलब स्कूल में ट्यूशंस में, और इससे पहले आपने सैंपल पहला पेपर दिया था, और तैयारी कर रहे हो ना बोर्ड्स की, तो तैयारी करो, तो सिंपल सी बात आनी चाहिए। फिर मैं आपको कुछ उन बातों की, उन चीज़ों की डिस्कशन करता हूँ जो इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब फिक्स है। एक तो फिक्स टॉपिक आपका जो आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट है आपका, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा ज़रा। इसमें दो तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, ओल्ड पार्टनर के बेस पे और एक न्यू पार्टनर के बेस पे। कब कौन सा लगाते हैं? तो जब कुछ में ओल्ड न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया होता है तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे करते, क्या करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल है तो उसका प्रॉफिट का रेसिप्रोकल करते हैं, कैपिटल फॉर्म निकाल देते हैं, उसका बांट देते हैं, फिर कैश या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। आपको याद होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपके टॉपिक नहीं आता तो मेरे लेक्चर्स है एडमिशन वाले, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे 12th वाली प्लेलिस्ट में लगा दूंगा यहाँ पे, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर एडमिशन के जो टॉपिक पे जाओगे, एडमिशन को बहुत सारे, उस पर 115 लेक्चर, तो एडमिशन नीचे बढ़ोगे तो एडमिशन आएगा, एडमिशन में नीचे कैपिटल एडजस्टमेंट के दोनों आएंगे, ओल्ड और न्यू, तो आप ओल्ड और न्यू देख सकते हो। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो एक बार देख के आप याद करोगे, ये टॉपिक फिक्स है 6 नंबर का आना है आपका। तो एक आपका न्यू पार्टनर के बेस से कैपिटल एडजस्टमेंट, जब न्यू पार्टनर कैपिटल दिया होता है, जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होता हम ओल्ड पार्टनर के बेस पे करते हैं, तो ओल्ड वाले में ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेते हैं, कंबाइन उनका पैसा लेते हैं, कैपिटल फॉर्म निकालते हैं, फिर बांट देते हैं। उसके अंदर दो तरह क्या है, कभी कभी लिखता है कि वो कंबाइंड कैपिटल करते, फिर आपको कैपिटल फॉर्म नहीं निकालना, कंबाइंड कैपिटल पे निकाल देते हैं, वरना कंबाइंड कैपिटल से फॉर्म की कैपिटल निकालते हैं और उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो ये टॉपिक है आपका, ये देख लेना, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत मतलब 100% चांस है भाई साहब। तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद देखो कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपके आ रहे हैं गुडविल में, एक टॉपिक है गुडविल में आया है, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, क्या है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसका मैंने स्पेशली अभी एक दो दिन पहले एक लेक्चर डाला है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसमें गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री ना करके दो एंट्री करनी होती है, पहली गुडविल रेज की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, फिर दूसरा न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। अगर आप ये टॉपिक से अनजान हो तो प्लीज हमारा एक लेक्चर है गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, आपको अभी रिसेंटली है तो ऊपर ही मिल जाएगा आपको, उस लेक्चर को देख लेना गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ का, या कहीं भी पढ़ते हो वहाँ पे पूछ लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि ये टॉपिक आने के बहुत 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 90% चांस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बने, इस टॉपिक को नजर मार के चले जाना। इसके अलावा इसमें हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, तो हिडन गुडविल के आने के एक चांस है, तो एक हिडन गुडविल को भी दिमाग में डाल लेना, हिडन गुडविल क्या है, फिर कम क्वेश्चन करें आपने, तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट देख लेना। और प्रॉफिट रिजर्व में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो आज ही बोलूंगा इस चीज को, मैं हर लेक्चर बोलता हूँ जब पढ़ाता हूँ एडमिशन, IFR और WCR इनकी ट्रीटमेंट, ये आपके हर चैप्टर में काम आने वाले, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंजिंग PSR, IFR और WCR की ट्रीटमेंट्स, इसके स्पेशली मैंने दोनों के एडमिशन में लेक्चर बना रखे कि IFR के केसेस के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है, रिजर्व है, क्लेम है, क्लेम है, रिजर्व, रिजर्व क्लेम दोनों है, इसका कंडीशंस है, पढ़ा तो आपको याद होगा। और ये WCR के, इन दोनों के केसेस को जरूर देख लेना, बहुत ही काम के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको नजर मार के जाना है एग्जाम में, अगर 10-12 नंबर इस चैप्टर से आपको अपने ग्राफ करने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सेलेक्टेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट को कर लो, क्योंकि जो आने हो तो आपको पता है कि आने आने भाई सब, इसको अगर आप नहीं करके जा रहे हो छोटे बाद में करूंगा पेंडिंग डाल के, कोई फायदा नहीं है, फिर फंस जाओगे। तो एक एक करके निपटाते दो चैप्टर को, मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिक्र कर दूंगा, मैं कुछ लेक्चर्स डाल दूंगा एक एक करके, आप उन टॉपिक्स को जरूर लेके जाओ, तो 80 में से आपके 60-65 तो आ ही जाएंगे, बाकी मेहनत करोगे तो भाई साहब 80 में से 80 भी आ सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप बस आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, तो आप भगवान से भी मिल सकते हो। तो सुना ना आपने कि भगवान से मिल जाते हैं लोग, ये तो सिर्फ एग्जाम है, फाड़ दोगे, बस अच्छे से करके आओ, फोड़ के आओगे फिर एग्जाम में, मजा आ जाएगा, फिर बस पढ़ना चालू करो, अभी से पढ़ोगे तो जीतोगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि सर हमारे इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए बना दूंगा और डिटेल में आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत हो फिर आप पूछना, फिर दोबारा बना देंगे भाई साहब आपके लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो तो समथिंग इज टू बी रिटर्न, कुछ तो कंसिडरेशन में दो, और कंसिडरेशन में हमने आपसे क्या रिक्वायर किया है, बस
दो चीजें, एक एक प्यारा सा कमेंट और दूसरा अपना कोई भी निडी दोस्त है जिसको इसकी जरूरत है उसको हमारे लेक्चर्स को शेयर करो कि वो भी पढ़ के कुछ सीखे और फिर वो भी कमेंट करे तो हमारे कमेंट्स बढ़ेंगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, चल मिलते हैं। कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करना क्योंकि आपके वो कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि आपको किस टॉपिक में किस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, फिर उस टॉपिक पे और आसान वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ आसानी से कुछ यूनिक करके समझाएं कि बच्चा एग्जाम के टाइम पे ना भूले, ये हमारा मोटिव रहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो बताना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।